जीवन की मान्यता में स्वागत है। यात्रा जिसे शुरू हुई 3.5 साल हुए। मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको लेकर चलूंगा प्राचीन जीवन के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आर्य धरती को, इसके विभिन्न जीवन रूपों को, फिर चले गए अपने कैंप के दौर और अधिक शीघ्र को। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे-धीरे होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोफाइट्स के प्रकाश संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन को बहुत वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से प्लैटफॉर्म, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स सागर में सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लगाने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली जिक्र है उसका नाम है टार्किनोसिनस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम मकड़े आदि पंखी मतन एवं एक दिवस टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायनेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल का एक अंग था जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता है। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिली थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम डांस जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिपते बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बनिक बेस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब रहे थे। उन दिनों पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक परिस्थितियों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। Thank you.
और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ। प्रथम स्तनपायी जीव मेगास्ट्रोडोन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं मांग के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो लहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडिमॉर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी रेतों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के साथ को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो उड़न विग के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासोरोलॉपस और कोरिथोसॉरस के स्तर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरानोडॉन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ।
सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टायरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी हथेली का पृथ्वी से जा टकराया, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया था। विशाल मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की जाने लगी। पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंड, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के गोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मडिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले पार्क और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित लाखों अन्य लोगों में बदलते हुए
दूसरे ग्रहों पर जीवन निर्देशन पैमानों में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले शोर पर आनंद लिए। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आज सब जरूर आए साइंस।